अभी यहाँ पे और भी कुछ एक आध चीजें होनी है अभी, तो ये कॉरिडोर है हमने यहाँ से इसको ऐसा बनवाया है कि बताओ तुम आगे कैसे क्या सोच के। ये कॉरिडोर इस काफी लॉन्ग है और यहाँ पे हम थोड़ा कुछ यू नो लाइक फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फोटोज लेना चाहो या वीडियोस के लिए एक अच्छा ब्राइट टनल आपको चाहिए तो ये हमने वैसा बनाया है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रिप लाइट्स भी है और वो ऊपर इतना वाइट वाइट है ना कि ऐसे ऊपर हाँ। भी लाइट्स हैं तो आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो तो यू कैन जस्ट हैव योर स्ट्रिप लाइट्स ऑन एंड यू कैन पोज एंड हैव गुड पिक्चर्स। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी थोड़ा सा सेटअप होना है, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स आना है और यहाँ पे हमारा ये रूम है, यहाँ पे सामने वॉशरूम है, ये है डिटेलिंग में आपको सब बाद में क्या कैसा क्या है उसके भी एक लुक देखते हैं। ये हमारा गेस्ट वॉशरूम, ये गेस्ट वॉशरूम है व्हिच इज ब्लैक व्हाइट एंड गोल्ड। यस, और यहाँ पे जो है वो है वॉक इन वार्डरोब। अभी यहाँ पे देखो ये सब रूहान के कपड़े अभी यहाँ पे सेट होना धीरे धीरे शुरू हुआ है, यहाँ पे भी अभी बल्ब वगैरह आने हैं वैनिटी के, ये तो ये तो फिलहाल पूरा डंप्ड है। हाँ। क्योंकि ये रूहान के कपड़े हैं बॉक्सेस में एंड ये सब रूहान का सामान रखा हुआ है। यस, ये उसका स्ट्रोलर है, उसका वो चेयर है, सो या तो ये सब है। तो अभी ये धीरे धीरे हम लोग आई थिंक एक बार जो उनको प्रॉपर पोजीशन मिल जाएगा उसके बाद हाँ। हम ये रूहान के पापा का वार्डरोब होने वाला है क्योंकि उनके कपड़े आप सबको पता है, तो इसलिए ये पूरी तरीके से उनका वार्डरोब होने वाला है। वहाँ पे जो जो हमारे रूम में वार्डरोब्स हैं वो दो होंगे मेरे और एक होगा रूहान का। अभी हॉल, यस, तो ये है हॉल। तो अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा लग रहा है इसमें। यहाँ पे ऐसे ये गोल्ड का जो है प्लेट दिया है यहाँ पे और फुल इस तरीके से। अभी यहाँ पे इसमें मैग्नेट जो है वो नहीं आई हुई है, अभी इसमें मैग्नेट आने वाली है ये, एंड देन फिर यहाँ पे वो तीन जो आयते कुल रखे हैं यहाँ उसमें था आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी एंड दो कुल, वो यहाँ यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे डाइनिंग टेबल आएगा, यहाँ पे उसका एक लैंप आएगा, यहाँ पे ये एसी जो है वो फिट हो चुके हैं, यहाँ पे ये ट्रैक लाइट भी लग चुकी है, यहाँ पे कर्टन आने हैं, यहाँ पे भी कर्टन आने हैं, यहाँ पे भी एसी लग गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है ये चेंज होना है, ये नहीं जमा, ये थोड़ा सा जिस हिसाब से चीज़ें थी वो नहीं जमा, ये लुक नहीं जा रहा, तो ये अभी रिप्लेस होना है, ये चेंज होना है। और यहाँ पे एक यूनिट आएगा जहाँ पे ट्रॉफीज वगैरह होंगी सारी, क्यों Yes. यहाँ पे एक फैब्रिकेटेड पूरा यूनिट आने वाला है। हाँ। तो जो फैब्रिकेटेड होता है तो वो डायरेक्ट बाहर से बन के यहाँ के से फिक्स हो जाता है वो है। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि जैसा हमने इमेजिन किया था ना बिल्कुल वैसा ही है, जो वॉल्स हैं वो बड़ी सुंदर लगी हुई है। यस नाइस, ये टाइल्स आई थिंक टाइल्स अभी लोग अब देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं हम इस तरीके से। हाँ ये, और यहाँ पे भी कर्टन्स जो है वो आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले। यहाँ पे ये मैं जबरदस्त घूम रहा हूँ और यहाँ पे क्या लाइट्स, अच्छा ये कर्टन की लाइट्स, हाँ ये कर्टन की लाइट्स भी लग गई हैं, ये है काफ़ी है, ऑलमोस्ट हॉल जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और यस क्लीनिंग भी टाइल्स वगैरह क्लीन हो गया है, काफ़ी क्लीन हुआ है, काफ़ी कुछ बचा हुआ है अभी और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक दो दिन में और हॉल मेरे ख्याल से हो जाएगा, लिविंग रूम हो जाएगा। लेकिन वो हम अभी नहीं ला रहे हैं, हम बाद में ही लेके आएंगे। यहाँ का जो है अभी ये जो है अभी सेक्शन जो है वो एक सेकेंड आपको पता है, आपको कैसे पता है, मैंने पूछा था अभी कहाँ से। ये अभी गेस्ट रूम है, इसमें भी चीजें हो चुकी हैं काफी। ये मल्टीपर्पज रूम है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कबर्ड वगैरह ऑलमोस्ट डन है। इस रूम की फ्लोरिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये है पापा का रूम जो धीरे धीरे अभी बन रहा है। ये टीवी यूनिट है, यहाँ पे वॉशरूम भी हो चुका है, टाइल्स वगैरह सब लग गए हैं, फिक्चर्स भी लग गए हैं यहाँ पे सारे। ये कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, यहाँ पे वॉल थी, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा पहले ग्लास था यहाँ पे, यू नो स्लाइड करके हम अंदर जाया करते थे, तो वो हटा दिया है। यहाँ पे पापा का एक कबर्ड आ गया छोटा सा सेम उसी वॉल के लेवल पे। यहाँ पे एक छोटा दरवाज़ा होगा, इस विंडो के
ये विंडो है स्लाइडिंग, इसके वहाँ पे होगा इंशाल्लाह नमाज रूम, और यहाँ से ये पूरी होगी बालकनी। नहीं बट एट द सेम टाइम जब भी आप घर रेनोवेट करते हो, बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो चेंज नहीं करते, जो मेन है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग विंडो आएगी एंड वो ऐसी होगी जो हम चाहे तो हम खोल के भी रख सकते हैं। ये हमारी मेन स्लाइडिंग विंडो भी आ रही है, सो ये पूरा जो है ये एक सिट आउट होगा। हाँ, तो ये एक इंटरनल बैल्कनी टाइप का सिट आउट हो जाएगा कि आप बैल्कनी खोल के मस्त आराम से यहाँ पे बैठ के, जैसे इस वक्त हो रही है बारिश, इस वक्त हमारा रूम अगर बना होता तो हम मजे से यहाँ बैठ के चाय पी रहे होते। तो ये है और बस ये है अभी जो पहुंचा है यहाँ तक सिचुएशन। मुझे टीवी यूनिट बड़ा अच्छा लगा पापा का। हाँ, ये यूनिट बहुत कमाल लगेगा ये है, एंड इस बार पापा के रूम में हमारे पास पापा के लिए ड्रेसिंग मिरर भी है, तो यहाँ पे मिरर आएगा, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे पापा का कबर्ड हो गया। सो अभी हमारा रूम, पर अभी इन सब में करी तो अभी बना ही नहीं है, बट इवन हॉल में हमारे रूम में भी दिखाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें भी होनी है जो क्या बोलते हैं उसको ऊपर से चीजें आती हैं, लाइक मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि ग्रूमिंग बाकी है ना, प्लांट हो गए, लैंप्स हो गए, चीजें हो गई यहाँ पे, क्या जो लास्ट को इनहेंस करेगा उसको, तो वो अभी बची हुई है। अच्छा समझ गया, फ्लोरिंग मस्त लग रही है बालकनी की फ्लोरिंग। हाँ, ये टाइल्स भी हमने ऐसे ही लिए हैं जो फील दे बालकनी वाला, वैसा पत्थर टाइप का वैसा। अच्छा, ये वॉशरूम भी रेडी है, यही बंद करना है, ये बंद कर दूं? नहीं, हॉल बंद करना पक्का, हम यहीं से बंद करेंगे, यहाँ से नहीं होंगे ना, अभी तो बात है क्योंकि कुछ लाइट यहाँ की ना वहाँ पे थी, उसने वहां से दिया था। हाँ। तो कल रात की तरह ये सीधी तो मुझे आप रात को फिर अड्डे पे जाती हूँ, मैं रात को उठती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। ठीक है, कैसा लग रहा है? मुझे ना बहुत वो फील पूरा आ रहा है उठे, तो अभी जब वो थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पा रही हूँ कि जब वो आ जाएगा, सोफा आ जाएगा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगा, ऊपर वो लाइट आएगी। मामी, हाँ, रो रहा है। चलो फिर से रुकावट के ये खेल है, बाद में मिलेंगे। और ये है हमारा रूम, तो बेसिकली जो दो रूम थे यहाँ पे यहाँ बीच का बॉल तोड़ के हमने वो किया था। यहाँ भी अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है, यहाँ पे तो कबर्ड सेक्शन आ गया है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ ये कर्टन है, यहाँ पे भी अभी कई सारी चीज़ें आनी हैं, यहाँ पे एक टेबल आना है, ये देखो रूहान का कॉट जिसमें वो बिल्कुल नहीं बैठता, कभी कभी लेटता है, वो हमारे साथ ही रहता है। तो ये है रूम, यहाँ पे अभी सॉरी वो एक लैम्प का जो बल्ब है वो जा चुका है अभी से ही, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी होनी है, दो तीन चीज़ें हैं जो ये सब ठीक होना है, जो वायरिंग वगैरह है यहाँ पे एक सिंगल पार्टीशन आना है, और कुछ प्लांट्स जो दीपिका बोल रही थी क्या आर्टिफिशियल प्लांट्स उसको रखने हैं यहाँ पे, सिंगल सोफा वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये है घर की हालत, घर की सिचुएशन अभी फिलहाल ये है। हाँ, 50% चीज़ें जो हैं वो डन हो गई हैं, 50% बची हैं जो आई थिंक 15-20 डेज में हो जाएंगी। हमारा मेन स्ट्रेस था इंशाल्लाह कि एक बार हॉल हो जाए पूरा, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे अभी वहाँ की भी जो तीनों रूम है ना उसके 70% चीज़ें हो गई हैं, सिर्फ 30 और मेन पेंट जो है बेसिकली बचा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो